हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए आज हम बनाएंगे आंवला का जैम। दोस्तों आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी बालों के लिए, हमारे पेट के लिए, और बच्चे नहीं खाते हैं ऐसे आंवला, तो उसके लिए हमने जैम बनाया है। तो ये हमने 700 ग्राम आंवला ले लिए हैं। दोस्तों ये आंवला छोटे छोटे हैं, अगर आपके पास बड़े हों तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये हमने अच्छे से धुल लिए हैं, अब इन्हें कुकर में रख देंगे उबलने के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कुकर में बॉयल होने के लिए रखने हैं, और एक सीटी आने के बाद हमें इन्हें निकाल लेना है। तो ये हमारे आंवला बॉयल हो चुके हैं, तो ये छोटे थे तो एक सीटी में थोड़े फट गए हैं, तो अब इन्हें छील लेंगे। इसकी अंदर की बीज जो गुठलियाँ हैं वो सब निकाल लेंगे, इस तरह से साफ करके रख लेंगे, और इसे मिक्सी में पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। और गैस पे रखेंगे कढ़ाई, और उसमें ये पिसा हुआ आंवला डाल देंगे, और जितना हमें आंवला लेना है उतनी ही हमें चीनी लेनी है दोस्तों। तो ये 700 ग्राम आंवला थे, तो 700 ग्राम हमने चीनी ले ली है, और ये आंवला में, और ये कुछ मसाले, ये काला नमक, सौंठ पाउडर, और ये काला नमक, और ये हल्दी पाउडर। तो अब हम डाल देंगे इसमें चीनी, तो इसी तरह मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है दोस्तों हमें। कुछ इस तरह से ये देखिए हो जाएगी, थोड़ी देर और पकाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। आप चाहें तो हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। हल्दी पाउडर से थोड़ा कलर अच्छा हो जाता है, इसलिए हमने हल्दी पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो हमने हल्दी पाउडर डाला है, और इसी तरह से चलाते हुए इन्हें पकाएंगे। तो अब डाल देंगे हम सौंठ पाउडर, ये सूखी अदरक का पाउडर है दोस्तों, और काला नमक डाल देंगे, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो ये देखिए, बस हमें इतना ही थिक रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बन चुका है, उसके बाद करेंगे हम गैस बंद और निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इसे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसी नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।